Now, the second step comes into the planning, and that is the production budget. Obviously, if you are planning, कि आपने 10,000 यूनिट सेल करने हैं फर्स्ट क्वार्टर में, तो आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री के साथ साथ प्लान करना पड़ेगा कि आपको ये 10,000 यूनिट इस सर्टेन क्वार्टर में प्रोड्यूस किस शेड्यूल में करने हैं, और इसी तरह फिर ये दूसरा क्वार्टर है, फिर तीसरा क्वार्टर है, फिर चौथा क्वार्टर है, और यकीनन इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर भी रिक्वायर्ड है और मटेरियल भी रिक्वायर्ड है। सो द प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेल्स बजट। दिस बजट लिस्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई सेल्स नीड एंड टू प्रोवाइड फॉर द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, राइट? सो प्रोडक्शन नीड्स कैन बी डिटरमिंड एज फॉलोज। बजटेड यूनिट सेल्स प्लस एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, सो दिस इज़ द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द फिनिश गुड, यू विल गेट द नंबर कि आपने कितना प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने साल भर में 1 लाख यूनिट बेचना है, और साल ख़त्म होने पर मेरे पास कम से कम 10,000 यूनिट होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो टोटल नीड है इस पूरे साल में, वो 1,10,000 यूनिट की है। और अगर मुझे पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस से 20,000 यूनिट ओपनिंग बैलेंस के तौर पर मिल रहे हैं, लिहाजा मुझे पूरे साल में तकरीबन 90,000 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है? सो ये बड़ी सादी सी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसने इसी प्रोडक्शन बजट की क्वार्टरली डिवीजन की हुई है, कि अगर आपको जो 10,000 यूनिट्स जो हैं वो फर्स्ट क्वार्टर में सेल करने हैं, और आप प्लान कर रहे हैं कि कम से कम क्वार्टर एंड पर हमारे पास 6,000 यूनिट होने चाहिए ताकि क्वार्टर सेकंड के स्टार्ट पर ये सेल होना शुरू हो जाए और मज़ीद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो लिहाजा आपको टोटल नीड इन द फर्स्ट क्वार्टर वो 16,000 यूनिट्स की है। लेट सपोज़ कि आपको पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस से 2,000 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो आप एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर में सेल तो 10,000 करेंगे, लेकिन आप प्रोड्यूस 14,000 करेंगे, ठीक है? ये बात आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। सो इसी तरह अगर आप क्वार्टर सेकेंड में 30,000 यूनिट प्रोड्यूस सॉरी सेल करने का सोच रहे हैं, और आपका जो 8,000 यूनिट एज एंडिंग इन्वेंट्री टारगेट है, तो आपको 38,000 प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन चूंकि 6,000 आपका एंडिंग बैलेंस होगा फर्स्ट क्वार्टर का, तो वो आपके पास पहले ही मौजूद होंगे सेकेंड क्वार्टर में, तो लिहाजा आपको सेकेंड क्वार्टर में 32,000 प्रोड्यूस करने हैं, और ये सिलसिला जो है वो ईयर एंड तक चलता रहेगा। सो लिहाजा ये आपके पास जो फिफ्थ कॉलम है, ये आपकी टोटल ईयर नीड को एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको बात बड़ी आसान लगी होगी, किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं है। सो उसी की बुनियाद को आगे लेकर चलें, तो अगर आप यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस कितने करने हैं उसको प्लान कर रहे हैं, तो यकीनन आपको उसके लिए सर्टेन मटेरियल इन्वेंट्री भी रिक्वायर्ड है, और उसको भी हम लोग इसी तरह से प्लान कर लेते हैं। बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपकी, और एंडिंग लेवल ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, तो ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट निकल आएगी। और अगर आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो पूरे क्वार्टर की या पूरे साल की आप अपनी परचेज रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यकीनन अपना मटेरियल जो है वो बजटाइज करना है। यहाँ अभी जो मैंने आपको मिसाल दी है वो बेसिकली इन्वेंट्री के लिए भी है, और साथ साथ जो है वो मटेरियल के लिए भी है। सो ये कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन में। अगर यहाँ हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको देखना चाहें, तो आपको
क्लैरिटी होगी कि ये एक्चुअली बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। सो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स ऑफ द फिनिश गुड्स हैं जी, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट क्या है आपको रिक्वायर्ड, और टोटल आपको मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, उसकी एंडिंग बैलेंस क्या रिक्वायर्ड है। सो लिहाजा आपको टोटल मटेरियल जो चाहिए होगा साल भर में, मज़ीद अगर आपको जो ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है मटेरियल का उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास टोटल मटेरियल टू बी परचेज निकल आएगा, और इसी तरह यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकल आएगी और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज निकल आएगा। बहरहाल ये इसको देखते हैं जी, हम अभी कैलकुलेट जब करेंगे तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक शेड्यूल दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल बजट का। सो ये देखिए कि अगर आपको फर्स्ट क्वार्टर में 14,000 जो यूनिट्स हैं या केसेस जो हैं प्रोड्यूस करने हैं, अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो 14,000 है, ये देखिए जो हम लोगों ने शेड्यूल टू बनाया था उसमें हमारे पास ये 14,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट निकल रही थी फर्स्ट क्वार्टर में। सो लिहाजा अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 15 पाउंड का वेट रिक्वायर्ड है, लिहाजा आपको 210,000 पाउंड मटेरियल जो है वो परचेज करना है, और अगर आप अपनी एंडिंग जो इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की वो भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, ये मैं शेड्यूल वापस लेकर आता हूँ आपको। अब आपने यहाँ लिखा हुआ था एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है जी, ये 6,000 यूनिट्स हैं। सो यहाँ पर मूव करते हैं जी, ये है जी एड डिज़ायर्ड एंडिंग रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री, आई बिलीव दिस इज़ इन वेट, राइट। एक मिनट जी, मुझे इसको थोड़ा सा देखने दें। अच्छा जी, यहाँ मेरे ख्याल इसको थोड़ा सा हम लोग फ़िलहाल इस डिजिट को एज इट इज़ ले लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं जी इन्होंने कहाँ से ली है। जब हम लोग बाय हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मोर क्लैरिटी से ले लेंगे। फॉर मोमेंट आप इस 48,000 को एक डिजिट कंसिडर करें। सो ये हमारे पास बेसिकली रॉ मटेरियल जो टोटल नीड निकल आएगी, अगर हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस है रॉ मटेरियल का तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें वो अमाउंट निकल आएगी जो हमें मटेरियल की परचेज़ करनी है, और अगर उसकी एक सर्टन कॉस्ट भी गिवन है तो हम देख सकते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी एक सर्टन लेवल ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए। सो यकीनन ये जो एंडिंग डिज़ायर्ड लेवल है ये नेक्स्ट के लिए ओपनिंग होगा, लिहाजा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये सिलसिला टिल द लास्ट क्वार्टर चलता रहेगा। अगेन ये जो फिफ्थ कॉलम है ये आपकी टोटल डिजिट्स को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, जो रॉ मटेरियल का आपने बजट बनाया उसी के अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्टेड कैश डिस्पर्समेंट्स फॉर मटेरियल, अगेन आपकी पेमेंट पॉलिसी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में अपनी पेमेंट देना दे रहे होते हैं। सो सम हाउ क्रेडिट पॉलिसीज़ भी चलती हैं, कैश पॉलिसीज़ भी चलती हैं। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड कि आप 50% एडवांस में पे करेंगे और 50% जो है थर्ड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ थर्ड मंथ, तो अगेन हम कह सकते हैं कि जी जो पे प्रीवियस अगर पेबल्स हैं उनको आप जो ओपनिंग बैलेंसेज उनको ऐड कर लें विद द एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज फॉर द मटेरियल, तो आपको फर्स्ट क्वार्टर की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी और देन सेकेंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो ये आपकी टोटल जो है क्वार्टरली पेमेंट्स निकल आएंगी, ठीक है। बाकी ये आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा जी, अगेन जो भी शेड्यूल ऊपर है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह जी डायरेक्ट लेबर बजट है, और आपको मालूम होना चाहिए कि लेबर बजट के लिए दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको नंबर ऑफ़ पीपल कितने रिक्वायर्ड हैं और आप उनको पे किस अंदाज में करेंगे, फिक्स सैलरीज होंगी या फिर फिक्स और प्लस वेरिएबल पोर्शन होगा। तो जो भी सेटलमेंट कमीशन प्लान्स हैं या सैलरी प्लान के अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बजट तैयार हो जाएगा।
जैसा कि यहाँ मिसाल भी दी हुई है, 25 वर्कर्स अगर आपको रिक्वायर्ड हैं और वो 4480 आवर्स पर वर्कर वो काम करेंगे, तो आपको $15 पर आवर देना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली 1,80,000 डॉलर जो है वो लेबर के लिए रिक्वायर्ड है। अगेन ये उसकी क्वार्टरली डिवीजन है, सेम सीक्वेंस है लिखने का, इसमें भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो इस शेड्यूल को खुद से भी प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है, इफ़ यू रिमेम्बर, तो हम लोगों ने जैसे प्री डिटरमिंड ओवरहेड रेट निकाला था पिछले चैप्टर्स में, उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपने क्वार्टरली ओवरहेड बजट्स को। दैट मे बी बेस्ड ऑन लेबर और एंड दैट मे बी बेस्ड ऑन यू नो मशीन और अगेन कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। बजटेड डायरेक्ट लेबर और एक्सपेक्टेड है जी 5600, और वेरिएबल जो पोर्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है दैट इज़ 4, सो 22,400 यू रिक्वायर्ड फॉर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देर इज 60,600 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सो यू टोटल रिक्वायर्ड 83,000। एंड लेस डेप्रिसिएशंस, चूँकि ये नॉन कैश आइटम्स होती हैं लिहाजा आपको जो कैश डिसबर्समेंट चाहिए हैं फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वो 68,000 है, और ये सिलसिला आप फोर्थ क्वार्टर तक कैलकुलेट कर लेंगे। मज़ीद ये कैलकुलेशन दी गई है जी, उसको देख लीजिएगा। एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट है, यकीनन दायरे की कोशिश ये होती है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन किया जाए, ताकि हर आने वाला दिन और हर आने वाले हफ्ते में सेल्स को इंश्योर किया जाए। ऐसा ना हो कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए आप लोग एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो बजट है वो भी प्रिपेयर करते हैं। दिस कंप्यूटेशन वॉज नीडेड फॉर टू रीज़न, फर्स्ट टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन दैट बजट इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकेंड टू वैल्यू एंडिंग इन्वेंट्रीज। सो एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट देखते हैं जी कैसे बना रहे हैं। क्वांटिटी है जी डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर आपको क्या कॉस्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या कॉस्ट कर रहा है, उनकी क्वांटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करके सर्टेन कॉस्ट ऑफ यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं जी, हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे तो मज़ीद ये चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हैं, अगेन डिपेंड करता है कि ऑल फिक्स हैं ऑल वेरिएबल हैं या कोई मिक्स इनकी कैटेगरी है, जो भी रेलेवेंट होगी आप उसको बजटाइज कर लेंगे। समहाउ आप जब साल के शुरू में अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के हवाले से कुछ प्लानिंग करते हैं, तो आप अर्ली पीरियड्स में एडवर्टाइजिंग रखते हैं, सम टाइम आप क्वार्टरली बेस्ड एडवर्टाइजिंग करते हैं, सो डिपेंड्स आपकी पॉलिसी क्या है। सो बजटेड सेल्स है अगर, और आप उसको कोई पर केस कमीशन देना चाह रहे हैं, तो लिहाजा आपका वेरिएबल पोर्शन निकल आएगा। ये कुछ फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल आपके सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अगेन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपके पास कैश डिसबर्समेंट फॉर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो जाएगी, और ये आप क्वार्टर फोर तक, और अगर इन चारों को ऐड कर दें तो आपके पास ईयरली बजट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कैश बजट बनाना। यकीनन अगर आप सेल्स बजट बना चुके हैं, लिहाजा आपको पता है कि कितना बेचेंगे और कितना कैश आएगा। प्रोडक्शन बजट अगर बना चुके हैं, तो लिहाजा आपको पता है कि कितना ख़रीदेंगे और उसके लिए कितना अदा करना पड़ेगा। सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस बजट बना चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि आपको साल भर में या क्वार्टरली कितनी पेमेंट्स देनी है। तो तमाम की तमाम रिसीट सेक्शंस और तमाम की तमाम पेमेंट सेक्शंस को आप ऐड कर लें, तो आपके पास जो है वो कैश रिक्वायरमेंट्स निकल आएंगी। तो समहाउ आपके पास एक्सेसिव कैश निकल रहा होता है, समहाउ आपको कैश मेंटेन करना पड़ता है,
अगेन अगर आपको मेंटेन करना पड़ रहा है तो आप अपनी फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में आसानी जो है वो महसूस करेंगे। सो ये तो अगेन थी जी सारी डिटेल्स। अगेन ये आपके पास वही कैश बजट है फॉर Q1, Q2, Q3 एंड Q4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी आपके पास एक सर्टेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, 2,30,000 कैश कलेक्शन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द सेल्स। लिहाजा आपके पास Q1 में जो कैश अवेलेबल होगा मोस्ट प्रोबेबली वो 2,72,500 होगा। मज़ीद आपको मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इक्विपमेंट परचेजेस के लिए और डिविडेंड्स के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको इतना कैश रिक्वायर्ड है तो पहले क्वार्टर में आप लोग 94,000 कैश डेफिसिट में जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बोरिंग करनी पड़ेगी और अगर आप एक सर्टेन कैश बैलेंस भी चाहते हैं एंडिंग टाइम पीरियड पर तो ऑब्वियसली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला जो है वो 12th Q4 चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे साल की कैलकुलेशन को ऐड करने के बाद उसने जो एंडिंग कैश बैलेंस आप प्लान कर रहे हैं वो भी लिख दिया है और आपको जो टोटल बोरोइंग करनी पड़ेगी वो भी लिख दी है और जो रीपेमेंट्स ऑफ बोरोइंग है वो भी लिख दी है और इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा वो भी लिख दिया है। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बोरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द Q1 है, एट द Q2 है, Q3 एंड Q4 है, राइट जी। सो इसकी बेस के ऊपर आप अपनी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। यू आर एक्सपेक्टिंग 200,000 ऑफ सेल्स, यू आर एक्सपेक्टिंग 1,300,000 ऑफ CGS, यू विल हैव दस ग्रॉस मार्जिन ऑफ 700,000, यू हैव सेलिंग एडम एक्सपेंसिस फॉर अ ईयर इज़ $5,76,000 एंड यू विल एंड अप विद 102,000 प्लस $100 इन योर नेट इनकम एंड ऑन दोज बेसिस यू कैन रेज योर एसेट्स एंड यू कैन कैलकुलेट फर्दर योर लाइबिलिटीज। बट अगेन दिस इज़ ऑल बजटेड, दिस इज़ नॉट एक्चुअल। यू आर एक्चुअली प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फैक्ट्स और फिर आप देख रहे हैं कि आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सो ये वो बेसिकली जनाब सारे का सारा डिस्कशन है इस चैप्टर की। ये उसी बजटेड बैलेंस शीट की एक इमेज दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया भी है, इसको देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। सो यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर सर क्लोज होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ख़ास मुश्किल है। बाकी जब हम लोग अपनी रिव्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो मज़ीद हमारे पास चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रिव्यू प्रॉब्लम के साथ हाज़िर होऊंगा। इंशाल्लाह ताला हमारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया और जज़ाकअल्लाह।